नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फेस्ट क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का बैकिनो निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विदेशी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, जो आज सुरजीत सर मुख्य सचिव से मिलने के लिए गए थे। क्या मिल के बातचीत की है, क्या सही में आज बातचीत हुई है या नहीं हुई है, या बातचीत हुई है तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, विदेशी आयोग को कब आदेश दिया जा रहा है, विदेशी आयोग नोटिस जारी करेगी, या बातचीत होने के बाद मुख्य सचिव बोल दिया है जो सुप्रीम कोर्ट में केस क्लियर होगा उसके बाद ही काउंसलिंग होगी, तो क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आपके मन में जितना भी डाउट चल रहा है सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों अभी बातचीत हुई है सर से, तो लगभग आज सर नहीं मिल पाए, ध्यान सुन लीजिए, लगभग आज मुख्य सचिव नहीं मिल पाए, ठीक है। सर का भी मैसेज नहीं आया, सर बैठे हुए हैं, हो सकता है नाइट तक सर अपडेट करे, ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है नाइट तक सर अपडेट करे, बट अभी तक बातचीत नहीं हुई है। और आप लोग बार बार कॉल और मैसेज कर रहे थे सर क्या अपडेट आया, क्या सुरजीत सर बातचीत किए, सर प्लीज अपडेट कीजिए, इसीलिए मजबूरी बस ये वीडियो बना के देना पड़ रहा है, समझे कि नहीं। शाम तक नाइट तक जो है सर अपडेट करेंगे, हो सकता है शाम में बातचीत हो सकता है 6 बजे के बाद बातचीत हो, बट अभी तक बातचीत नहीं हुई है, ठीक है। या हो सकता है जो मुख्य सचिव आए ही नहीं हो ऑफिस, या सर कोई काम में बिजी हो गए हो, बहुत सारा काम है, ऐसा नहीं है सर के पास एक ही काम है, बहुत सारा काम है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, हो सकता है अगर साथ नहीं भी आज मिले होंगे तो फिर भी जो है पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना, समझे कि नहीं। आप लोग के मन में 100 सवाल जो है ना मिनटों में पैदा हो जाता, तो आप लोग को गलत सोचना नहीं है, समझे कि नहीं। मान लीजिए हो सकता है सर आज नहीं मिले, ठीक है, या हो सकता है सर कोई काम में बिजी होंगे आज नहीं गए होंगे, बहुत सारा काम हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको टेंशन लेने के थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, नहीं टेंशन थोड़ा भी नहीं, ठीक है, एक भी स्टूडेंट को टेंशन नहीं लेना, बार बार इसलिए कर, समझे कि नहीं, क्योंकि कारण कुछ भी हो सकता, समझे, आज नहीं मिले तो कल भी मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं। तुम सर के मैसेज का इंतजार हम भी कर रहे हैं और आप भी कीजिए, सर के मैसेज का इंतजार आप भी कीजिए और हम भी कर रहे हैं, ठीक है। सर क्या अपडेट कर रहे हैं, क्या बातचीत हुई, या कहाँ फंसे हुए थे, सर मैसेज के माध्यम से क्लियर कर देंगे। तो हो सकता है नाइट में 10 PM में लाइव आएंगे तो उसमें हम आपको बता सकते हैं। ये वीडियो में हम यही बताना चाह रहे थे, जो आप लोग को पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव कभी नहीं सोचना, ठीक है, क्योंकि जीत 100% हम लोग को होगी और हंस के या रो के आयोग को काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, ठीक है। तो चलिए हम लोग नाइट में 10 PM में मिलते हैं, जो भी अपडेट आएगा 10 PM हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अगर उससे पहले भी अपडेट आ जाता है तो उससे पहले ही हम आपको बता दें, बस वेट कर रहे हैं सर के मैसेज का, ठीक है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, नहीं आपको परेशान होना, यही जानकारी हम आपको अभी देने वाले थे, क्योंकि बार बार आप लोग को कॉल और मैसेज आ रहा था, इसलिए यह जानकारी दी। थैंक यू।